ओम शांति। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/64। We were discussing the morning class dated 27/8/64. गुरुवार चौथा पेज। Thursday on page 4. बात चल रही थी। The topic being discussed was जरूर कोई ने सतयुग के कृष्ण की प्रारब्ध बनाई है। Certainly someone has created the fortune meaning prarabdh of the golden age Krishna. क्योंकि सारे विश्व का जो पहला पहला प्रिंस है जरूर उनके पीछे प्रिंस भी तो और बनेंगे ना। Because definitely some others will become prince after the first prince of the entire world, won't they? सारे विश्व का पहला पहला प्रिंस कौन है? Who is the first prince of the entire world? Student, the confluence is Krishna. संगमयुगी कृष्ण और उसके पीछे पीछे कितने प्रिंस बनते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी। The confluence is Krishna. And after him, how many souls become prince generation after generation? Student, 8. 8 प्रिंस बनते हैं जिनको बड़े होने पर लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिल जाता है। There are 8 princes who receive the title of Lakshmi Narayan on growing up. कहा जाता है लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो इट इज सेड लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड। तो ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सो विल दे बिकम दैट और नॉट? उस राजा ही के प्रिंस बनेंगे। दे विल बिकम द प्रिंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव किंगडम्स। सूर्यवंशी राजा ही चलना है। There will be the Suryavanshi kingdom. Suryavanshi meaning those belonging to the Sun dynasty. तो जरूर इनकी जो प्रारब्ध है वो सूर्यवंशियों की प्रारब्ध कलयुग में बिल्कुल नहीं थी। So certainly their fortune wasn't that of the Suryavanshis at all in the Iron Age. सतयुग में सूर्यवंशियों की प्रारब्ध थी। They had the fortune of the Suryavanshis in the Golden Age. और कलयुग में किसकी प्रारब्ध होती है? And whose fortune do they have in the Iron Age? Student of Ravan. वंशियों की बात हो रही है ना? The topic of the dynasties is going on, isn't it? शूद्र वंशियों की प्रारब्ध होती है। Student शूद्र, yes. They have the fortune of the Shudravanshis in the Iron Age. Shudravanshis meaning those belonging to the Shudra dynasty, lowest level in the caste system. अब इन सूर्यवंशियों की प्रारब्ध कौन बनाएगा? Now who will create the fortune of the Suryavanshis? Student Shiv Baba. No. चंद्रवंशियों की प्रारब्ध चंद्रमा बनाएगा। द मून विल क्रिएट द फॉर्चून ऑफ द चंद्रवंशीज मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द मून डायनेस्टी। विशेष वंशियों की प्रारब्ध कोई वैश्या ही बनाएगी। सर्टेनली सम प्रोस्टिट्यूट विल क्रिएट द फॉर्चून ऑफ दोज बिलोंगिंग टू द विशेष डायनेस्टी। कहते हैं इस्लाम वंशी। इट इज सेड इस्लाम वंशी मीनिंग Those belonging to the Islam dynasty. उनकी प्रारब्ध इस्लाम वंशी का मुखिया होगा वो ही बनाएगा। The chief of the Islam dynasty himself will create their fortune. ऐसे ही अब इन सूर्यवंशियों की प्रारब्ध कौन बनाएगा? Similarly now, who will create the fortune of these Suryavanshis? सूर्य ही बनाएगा। The sun himself will create it. चंद्रवंशियों की प्रारब्ध चंद्रमा बनाता है।
द मून क्रिएट्स द फॉर्चून ऑफ द चंद्रवंशीज। तो सूर्यवंशियों की प्रारब्ध सूर्य ही बनाएगा। सो द सन हिमसेल्फ विल क्रिएट द फॉर्चून ऑफ द सूर्यवंशीज। अब सूर्य में और चंद्रमा में क्या फर्क है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द मून? अथवा सूर्य में और सूर्य के साथ जो भी ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं उनमें क्या फर्क है? और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स अलोंग विद द सन, द प्लैनेट्स दैट रोटेट अराउंड द सन? जैसे शुक्र तारा है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है। फॉर एग्जाम्पल देर आर द प्लैनेट्स वीनस, जुपिटर, द मून, मार्स, मर्करी। तो सूर्य में और इन ग्रहों में क्या अंतर है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड दीज प्लैनेट्स? चंद्रमा तो उपग्रह है पृथ्वी का। इन फैक्ट द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सूर्य में ग्रह रोशनी सदा रहती है ना बाबा? स्टूडेंट, बाबा द सन इज ऑलवेज ल्यूमिनस, इजंट इट? सूर्य में स्वतः ही की रोशनी है। द सन इज सेल्फ ल्यूमिनस, अर्थात उसको रोशनी देने वाला कोई भी नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो वन टू प्रोवाइड ब्राइटनेस टू इट। कौन सी रोशनी की बात है? इट इज अबाउट विच लाइट? स्थूल रोशनी की तो बात नहीं है। इट इज सर्टेनली नॉट अबाउट द फिजिकल लाइट। ज्ञान की रोशनी की बात है। इट इज अबाउट द लाइट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ जो चैतन्य साकार सूर्य होगा उसको ज्ञान की रोशनी कौन देता है? सो हु गिव्स द लाइट ऑफ नॉलेज टू द लिविंग कॉर्पोरियल सन हियर? सेम सूर्य। स्टूडेंट, ही हिमसेल्फ इज द सन। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इट इज सेड द सन ऑफ नॉलेज राइजेस, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड। मीनिंग ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। क्या? व्हाट? ज्ञान सूर्य क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द सन ऑफ नॉलेज? प्रगटा माने पहले गुप्त था क्या? हैं? ही अपीयर्ड। डज इट मीन दैट ही वाज हिडन, मीनिंग गुप्त बिफोर दैट? गुप्त था तो कब से गुप्त था? इफ ही वाज हिडन, फ्रॉम व्हेन वाज ही हिडन? अरे सन 36 से ही गुप्त था। अरे ही वाज हिडन फ्रॉम 1936 इटसेल्फ। कहते हैं बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 से मनाया गया। इट इज सेड दैट 1976 वाज सेलिब्रेटेड एज द ईयर ऑफ रेवलेशन ऑफ द फादर। तो क्या प्रत्यक्ष नहीं हुआ था 76 में? सो वाजंट ही रिवील्ड इन 76? स्टूडेंट, नो। नहीं? नो? हुआ? स्टूडेंट, ही वॉज। वॉज ही रिवील्ड? नहीं हुआ। वॉजंट ही रिवील्ड? है? एक के लिए हुआ ना? एक के लिए हुआ। स्टूडेंट, ही वॉज रिवील्ड फॉर वन सोल। वॉजंट ही? ही वॉज रिवील्ड फॉर वन सोल। स्टूडेंट, यस। माना दो सूर्य होते हैं क्या? नहीं। इट मीन्स आर देयर टू सन्स? स्टूडेंट, नो। स्टूडेंट, बाबा द वन हु प्लेज द रोल ऑफ द सन वॉज रिवील्ड इन 76, वॉजंट ही? अच्छा 76 में कौन प्रकट हुआ? अच्छा, हु वॉज रिवील्ड इन 76? बाप का पार्ट है। स्टूडेंट, द वन हु प्लेज द रोल ऑफ द फादर। बाप? द फादर? बात सूर्य की हो रही थी। वी वर स्पीकिंग अबाउट द सन। सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? वॉज द सन रिवील्ड और नॉट? अभी तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। स्टूडेंट, ही हैजंट बीन रिवील्ड येट। अभी तो प्रत्यक्ष, फिर 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? ही हैजंट बीन रिवील्ड येट। देन हु वॉज रिवील्ड इन 76? फिर ही हो गया।
अरे 76 में जो छी तर, अरे इन 76 द छी तर क्या व्हाट है, जितने भी धर्म पिताएं हैं जब तमो प्रधान बनते हैं तो छी हो जाते हैं कि नहीं है? All the religious fathers, when they become tamo pradhan, do they become dirty, meaning chi or not? अच्छे होते हैं कि छी हो जाते हैं? Do they remain good or do they become dirty students? They become dirty. छी, उनमें भी तर. Dirty, the one who is tar, the most dirty even among them. माना धर्म पिताओं से भी तर. It means the one who is worse than even the religious fathers. कौन बनता है छी? Who becomes छी? अरे राम. अरे student राम. राम वाली आत्मा सबसे ज्यादा पतित बनती है ना? The soul of Ram becomes the most impure, doesn't it? तो कौन प्रत्यक्ष हुआ? So who was revealed? ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या ज्ञान सूर्य जिस पतित से पतित तन में आता है वो प्रत्यक्ष हुआ? Was the son of knowledge revealed or was the most impure body that he enters revealed? है? Student, the body in which he comes. जिस पतित से पतित तन में आता है वो पतित हुआ? The most impure body that he enters was revealed. सूर्य तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ. The sun was certainly not revealed. जो कहे अज्ञान अंधेर विनाश. So that it can be said, the darkness of ignorance is destroyed. अच्छा. अच्छा. नहीं प्रत्यक्ष हुआ. If he wasn't revealed. मान लिया नहीं प्रत्यक्ष हुआ. We accept that he wasn't revealed. तो सन 76 में जो पहचाना विदेशियों ने. So in 76, the foreigners, meaning विदेशी, recognized the father. 76 रात्रि के 12 बजे को कहा जाता है ना? 76 is said to be 12 o'clock at night, isn't it? तो रात्रि के 12 बजे में किसने पहचाना? So who recognized him at 12 o'clock night? विदेशियों ने पहचाना. The foreigners recognized him. जिन विदेशियों ने पहचाना उन्होंने किसको पहचाना? The foreigners who recognized him, whom did they recognize in reality? है? ज्ञान सूर्य को पहचाना या ज्ञान सूर्य जिसमें प्रवेश करता है उसको पहचाना? हाँ, मनुष्य सृष्टि के पिता को पहचाना. Did they recognize the son of knowledge or did they recognize the one whom the son of knowledge enters? Students, the one whom the son of knowledge enters. Yes, they recognized the father of the human world. क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं हैं वो देवताएं हैं या मनुष्य हैं? Because as regards all the religious fathers, are they deities or human beings? Yeah? मनुष्य. Student, human beings. They are human beings. तो मनुष्य किसको पहचानेगा? So whom will a human being recognize? मनुष्य मनुष्य को पहचानेगा. A human being will recognize another human being. मनुष्यों ने उन विदेशियों ने जो मनुष्यों का बाप है बीज है उसको पहचाना. The human beings, that is those foreigners, recognized the father, the seed of the human beings. इसलिए मनाया गया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष. कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या मनुष्यों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? That is why the year of the revelation of the father was celebrated. It was the year of revelation of which father? Was it the year of revelation of the father of the souls or the year of revelation of the father of the human beings? मनुष्यों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ.
It was the year of revelation of the father of the human beings. अभी देखो. Now look. ज्ञान सागर कहेंगे ना फिर भी. He will still be called the ocean of knowledge, won't he? फिर भी क्यों लगा दिया? Why was still added? हैं? फिर माने क्या होता है? What is the meaning of still? हैं? मनुष्य ही बाप है, फिर भी वो ज्ञान सागर है. Student, the father is a human being. Still, he is the ocean of knowledge. फिर किसे कहते हैं? फिर का मतलब क्या है? What is fir? What is the meaning of fir? हैं? जुड़े हुए. फिर माने दोबारा. Fir means once again. हैं? हाँ. Student said something. Yes. माना? ज्ञान सूरी तो शिव है. It means Shiv is certainly the son of knowledge. लेकिन फिर भी ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में. But still in the form of the son of knowledge in the world. वो सूर्य तो साकार में है, जो आसमान में दिखाई देता है, कि निराकार है. That sun visible in the sky is corporeal, meaning physical. Or is it incorporeal? साकार है. It is corporeal. तो और शिव भी? So, and Shiv also? निराकार. Incorporeal. Student, corporeal. Hmm? शिव भी वास्तव में तो निराकार है. In reality, Shiv is incorporeal. कहते हैं मेरी बिंदी का ही नाम शिव है. He says, the name of my point itself is Shiv. तो ये फिर भी किसके लिए लगाया? So for whom was still used? साकार. Student, for the corporeal one. साकार के लिए कहेंगे. It will be said for the corporeal one. और साकार के साथ ज्ञान सागर शब्द भी लगा दिया. And the word meaning title. The ocean of knowledge was also added to the name of the corporeal one. ज्ञान सूर्य नहीं लगाया. The title, the son of knowledge wasn't added. क्या कहा? What was said? ज्ञान सागर फिर भी प्रत्यक्ष हुआ ना, ऐसे ही कहेंगे. It will be said, the ocean of knowledge was still revealed, wasn't he? तो सागर क्यों कह दिया? So why was he called the ocean? सागर पृथ्वी से चिपक के रहता है. The ocean remains attached to the earth. सागर की प्रवृत्ति पृथ्वी के साथ है. The companionship of the ocean is with the earth. सागर की प्रवृत्ति धरणी के साथ है. The companionship of the ocean is with the earth. और सूर्य की प्रवृत्ति तो किसी के साथ है ही नहीं. And the sun doesn't have companionship with anyone at all. शिव की प्रवृत्ति किसी के साथ है? Does Shiv have companionship with anyone? है? नहीं है. Does he? Student, he doesn't. He doesn't. अच्छा, फिर गीता में क्यों कहा गया मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यम? अच्छा, then why has it been said in the Gita मध्योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यम? मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है. ब्रह्मा तो बहुत ही है. It means my womb like mother is param brahma, that is supreme brahma. There are many brahmas. लेकिन उनमें जो परम ब्रह्म है वो मेरी माता स्वरूप है. But the supreme brahma among them is in the form of my mother. मैं ज्ञान का बीज हूँ. I am the seed of knowledge. ये क्यों कहा गया? Why was this said? उसमें सब कुछ है. है? वो किसी में नहीं है. Student, because everything is contained in him, but he is not present in anyone. हाँ. ना अहम तेषु ते मैं. मैं सब में हूँ. लेकिन वो मेरे में नहीं. जैसे बीज है. Yes. It is said, na aham teshu te mai, meaning, I am in everyone, but they are not contained in me. For example,
देयर इज अ सीड. बीज पत्तों में भी है. द क्वालिटी ऑफ द सीड इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम इट टू. बीज कड़वा होगा तो पत्ते भी कड़वे होंगे. इफ द सीड इज बिटर इट्स लीव्स विल आल्सो बी बिटर. बीज कड़वा होगा तो टहनियां भी कड़वी होंगी. बीज कड़वा होगा तो जड़ें भी कड़वी होंगी. इफ द सीड इज बिटर इट्स ब्रांचेस विल आल्सो बी बिटर. इफ द सीड इज बिटर इट्स रूट्स विल आल्सो बी बिटर. तो मैं उन सब में हूँ. सो आई एम प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम. वृक्ष के पत्ते पत्ते में हूँ लेकिन वो मेरे में नहीं है. आई एम प्रेजेंट इन एवरी लीफ ऑफ द ट्री बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन मी. तो वो है ज्ञान सूर्य वास्तव में. सो ही इज द सन ऑफ नॉलेज इन रियलिटी. परंतु वो जब आते हैं तो कहते हैं. बट व्हेन ही कम्स ही सेज कि मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को क्या बनाता हूँ. व्हेन आई कम व्हाट डू आई मेक यू चिल्ड्रन. आप समान बनाता हूँ. आई मेक यू इक्वल टू माई सेल्फ. आप समान बनाता हूँ माने जैसे मैं निर्विकारी हूँ निराकारी हूँ निरहंकारी हूँ वैसे तुम बच्चे भी नंबर वार जैसा जिसने पुरुषार्थ किया वैसे वैसे निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बनते हो. आई मेक यू इक्वल टू माई सेल्फ मीन्स जस्ट लाइक आई एम वॉइसलेस इनकॉर्पोरियल ईगोलेस यू चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम इनकॉर्पोरियल वॉइसलेस एंड ईगोलेस एट योर ओन लेवल मीनिंग नंबर वार अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट यू मेड. ये जरूर मानेंगे कि ऐसे कहते हैं कि असुर थे. पीपल विल सर्टेनली बिलीव दैट इट इज सेड दैट देयर वर डीमंस. हैं शास्त्रों में कहते हैं ना सत्युग में कौन थे त्रेता में कौन थे. इट इज मेंशनड इन द स्क्रिप्चर्स इजंट इट. हु वर इन द गोल्डन एज हु वर इन द सिल्वर एज. अरे हिरण्यकश्यप रावण आदि कहाँ बताते हैं. अरे व्हेन डू दे से हिरण्यकश्यप रावण एंड सो ऑन वर. हिरण्यकश्यप रावण मीनिंग विलेनस कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज. सत्युग त्रेता थे. स्टूडेंट इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस. यस दे वर इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस. परंतु वहाँ असुर तो नहीं हो सकते हैं ना. बट देयर कांट बी डीमंस देयर. कैन देयर. कहाँ. वेयर. जो नई सृष्टि है उस नई सतो प्रधान सृष्टि में असुर तो नहीं हो सकते हैं. देयर सर्टेनली कांट बी डीमंस इन द न्यू वर्ल्ड द न्यू सतो प्रधान वर्ल्ड. असुर माने. व्हाट डज असुर मीनिंग डेमंस मीन. जिनका सुर से सुर न मिलता हो. Those who are not in tune. आज का संसार है इसमें ढेर के ढेर देश हैं. In today's world, there are many countries. उन देशों में राज्य हैं राजाइयां हैं स्टेट्स हैं जनपद हैं गांव हैं गांव में परिवार हैं. There are kingdoms, kingships, states, communities, villages. In those countries, there are families in villages. परिवारों में ढेर के ढेर सदस्य हैं. There are numerous members in the families. क्या किसी के सुर में सुर मिलते हैं. Does the tune of one match with the other? दुनिया में कोई ऐसा परिवार देखने में आता है कि परिवार के मुखिया के साथ सबके सुर मिलते हों, एक सुर हों? Is any such family visible in the world where everyone is in tune with the chief of the family, where they all are in harmony? नहीं है. और सत्युग त्रेता में क्या था? Student, no. It isn't. And how was it in the golden and silver ages?
है, एक सुर थे वहाँ, असुर कोई था ही नहीं। Everyone was in harmony. There wasn't any asur at all. Asur literally means demons. इनका आपस में सुर न मिले, ऐसे असुर वहाँ कोई थे ही नहीं। Those who are not in the same tune between each other, there weren't any demons like this at all there. माने वाचा से क्रॉस करने वाले, संकल्पों में क्रॉस करने वाले एक दूसरे को, और कर्मणा से एक दूसरे को क्रॉस करने वाले वहाँ कोई थे ही नहीं। It means the ones who cross, that is opposed through the speech, the ones who cross each other at the level of thoughts, and the ones who cross each other through actions didn't exist there at all. तो ये जरूर मानेंगे कि भगवान की जो सृष्टि है उसमें कोई असुर नहीं होते। So it will certainly be believed that there aren't any demons in God's creation, that is Srishti. और बाकी जो भी सृष्टियां हैं, बाकी दुनिया के जो भी संगठन हैं, वहां क्या होता है? And in all the other creations, all the other gatherings in the world, what happens there? है? कोई के आपस में संस्कार नहीं मिलते। Nobody's संस्कार harmonize with each other. सत्य में असुर तो हो नहीं सकते ना। Demons cannot exist at all in the golden age. Can they? नाम क्या है उसका युग का? What is the name of it? The age? Student, the golden age. सत्य। सत meaning truth. तो जहाँ सच्चाई है, सत्य है, वहाँ तो असुर हो ही नहीं सकते। So where there is truth, demons cannot exist there at all. असुर कहाँ होंगे? Where will demons exist? है? असुर वहीं होंगे जहाँ झूठ की दुनिया होगी। Demons will certainly exist in the world of falsity. झूठ खंड में ही असुर होते हैं। There are demons in the land of falsity itself. तो असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखलाते हैं शास्त्रों में। So the war between demons and deities is shown in the scriptures. नहीं दिखलाते? Don't they mention it? Student, they do. दिखलाते तो झूठ दिखलाते हैं कि सही? They do. So do they mention false thing or do they mention the correct thing? कैसे? Student, they mention the correct thing. How? अरे वहाँ तो असुर होता ही नहीं सतयुग त्रेता में। अरे the demons don't exist at all in the golden age and the silver age. त्रेता में कहाँ रावण था? How did Ravan exist in the silver age? राम राज्य का तो कितना गायन है। The kingdom of Ram is so famous. Student, in the confluence age. हाँ। Yes. जो भी गायन है शास्त्रों में, जो भी यादगार है, कहाँ की है? All the praises, all the memorials that are mentioned in the scriptures are of when? Students, of the confluence age. उस संगम युग की है, उस शूटिंग पीरियड की है, रिहर्सल जब हुई थी सारी दुनिया के एक्टर्स की, उस समय की ये सारी यादगारें शास्त्रों में हैं। All these memorials in the scriptures are of that confluence age, of that shooting period, of the time when there was the rehearsal of all the actors in the entire world. उस समय शास्त्रों में जो बताई हुई बातें हैं उन सब की रिकॉर्डिंग हुई थी। At that time, there was the recording of everything that has been mentioned in the scriptures. वो रिकॉर्डिंग का टाइम है। It is the time of recording. शूटिंग का टाइम है, रिहर्सल का टाइम है। The time of shooting, the time of rehearsal. जिस टाइम में हर आत्मा के अंदर अनेक जन्मों के संस्कार भरे जाते हैं। The time when the संस्कार्स of many births are recorded in every soul. रिकॉर्डिंग होती है तो भरा जाता है ना। When the recording is done, it is recorded, isn't it? है?
तो इस संगम युग में हर आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के सो इन दिस कॉन्फ्लुएंस एज द संस्कार्स ऑफ मेनी बर्थ्स इन एवरी सोल क्या रिकॉर्ड भरे जाते हैं व्हाट इट इज रिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड भरते समय कोई श्रीमत पर चलते हैं सो एट द टाइम व्हेन इट इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग सम फॉलो द श्रीमत कोई अपनी मन मत पर चल पड़ते हैं कोई मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं सम फॉलो द ओपिनियन ऑफ देयर माइंड एंड सम फॉलो द ओपिनियन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो जो श्रीमत पर चले उनकी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई सो दोज हु फॉलोड द श्रीमत द रिकॉर्डिंग दैट वाज डन इन देयर सोल वाज गुड और जो मन मत और मनुष्य मत पर चल पड़े उनकी रिकॉर्डिंग खराब हो गई And those who followed the opinion of their mind and the opinion of human beings, the recording that was done in their soul was bad. वो असुर बन गए? They became demons. ऐसे दिखाते हैं ना शास्त्रों में? It is mentioned in the scriptures like this, isn't it? कि असुर भी थे और देवताएं भी थे? There were demons as well as deities. तो जरूर देवताओं ने जीत पहनी सो सर्टेनली द डीटीज गेन्ड विक्ट्री क्या वॉट रिकॉर्डिंग के टाइम पर जीत किसने पहनी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हु गेन्ड विक्ट्री दिव्य आत्माओं ने द डिवाइन मीनिंग दिव्य सोल्स दिव्य माने क्या देव मीन्स वॉट डज देव मीन दिव्य कहते हैं आकाश को द स्काई इज कॉल्ड देव माने जो ऊंची स्टेज वाली आत्माएं थी जिन्होंने भगवान को पहचाना था भगवान को पहचानने वाली उन आत्माओं ने अपनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली इट मीन्स द सोल्स विद द हाई स्टेज द वंस हु रिकॉग्नाइज्ड गॉड दोस सोल्स परफॉर्मड अ गुड रिकॉर्डिंग फॉर देमसेल्व्स तो उन्होंने सारी दुनिया को जीत लिया So they gained victory over the entire world. वो विश्व के मालिक बन गए. They became the masters of the world. हैं? और जिन्होंने नहीं पहचाना? And those who didn't recognize the one. जिसे God is the truth कहा जाता है. For whom it is said, God is truth. सच्चा बादशाह. The one who is called the true emperor. उस सत्य बाप को नहीं पहचाना? वो क्या बन गए? Those who didn't recognize the true father, what did they become? Asur ban gaye. Unhone haar khayi. They became demons. They were defeated. To zarur asur pichhadi mein honge na. So certainly the demons will exist later. Hain? Jeet paane wale satyug mein hone chahiye. या हार खाने वाले सत्ययुग में होना चाहिए शुड द विनर्स एग्जिस्ट इन द गोल्डन एज और शुड द लूजर्स बी इन द सतयुग मीनिंग द एज ऑफ ट्रुथ सच खंड में कौन होना चाहिए हु शुड एग्जिस्ट इन द लैंड ऑफ ट्रुथ स्टूडेंट्स द विनर्स जीत पाने वाले सच खंड में गए और झूठ खंड में जाने वाले हैं झूठे थे The winners went to the land of truth and the losers went to the land of falsity. हाँ वो है कलयुग के अंत में जरूर होंगे ना पिछाड़ी में तो सतयुग के आदि में है देवता They will certainly exist later in the end of the iron age, won't they? So the deities exist in the beginning of the golden age. क्या What? देवता आदि में क्यों Why do deities exist in the beginning? आदि देव के बच्चे देवता The children of आदि देव meaning the first deity are deities. तो कहाँ होंगे So when will they exist? सतयुग के आदि में In the beginning of the golden age. क्योंकि गया भी जाता है असुरों और देवताओं की लड़ाई Because it is also said there was a war between demons and deities. ये तो बच्चों को समझाया गया है दिस हैज डेफिनेटली बीन एक्सप्लेन्ड टू द चिल्ड्रन
कि लड़ाई तो कोई लगी ही नहीं है. That there wasn't a war at all. किसकी किसकी? Between whom? असुरों और देवताओं की लड़ाई तो कोई, या पांडवों की या कौरवों की लड़ाई तो कोई लगी ही नहीं है. There wasn't any war between demons and deities or the Pandavas and the Kauravas at all. Pandavas meaning the descendants of Pandu, Kauravas meaning the descendants of Kuru. Mahabharat ki ladai lagi hai zarur. The war of Mahabharat has certainly taken place. Kya? What? Mahabharat ki ladai lagi hai zarur. The war of Mahabharat has certainly taken place. परंतु कोई भी असुर और देवताओं की नहीं लगी. But there wasn't any war between demons and deities. ये क्या बात हुई? What is this? है? महाभारत क्यों कहा? Why was it said Mahabharat? Maha means great. अरे छोटा मोटा भारत कह देते. अरे they could have said a small Bharat. महाभारत क्यों कहा? Why did they say Mahabharat? है? क्योंकि वो सब भारतवासी ही थे. It is because everyone among them was certainly a Bharatvasi, that is resident of Bharat, जो बाद में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए. Who converted to other religions later? पहले कहाँ के वासी थे? They were residents of which place earlier? भारतवासी ही तो थे. They were indeed Bharatvasis. तो महाभारत की लड़ाई तो जरूर लगी है. So the war of Mahabharat has certainly taken place. परंतु उनमें कोई असुर नहीं थे, न कोई देवताएं थे. देवताएं भविष्य में बनते हैं जीत पाने के बाद. But there weren't any demons or deities in it. They become deities in future after becoming victorious. क्या देवताएं थे पहले से? Did the deities already exist? हैं? भगवान आया तो भगवान ने मनुष्य को देवता बनाया, तो बाद में बनेंगे या पहले ही थे? Student, no. When God came, he made the human being into a deity. So did they become that later or were they already that? Students, they became that later. न तो देवताएं थे न असुर थे. Neither were there deities nor demons. और देवताएं तो यहाँ हो भी नहीं सकते हैं. And there cannot be deities here anyway. कहाँ? Where? नहीं. Student, in the Iron Age. No. देवताएं तो यहाँ संगम युग में हो भी नहीं सकते हैं. क्यों? Deities cannot exist here in the confluence age at all. Why? अरे भगवान आया हुआ है तो भगवान मनुष्य को देवता नहीं बनाता. अरे when God has come, doesn't he make the human being into a deity? है? बनाता है? He does. तो यहाँ संगम युग में देवताएं क्यों नहीं हो सकते? So why can't the deities exist here in the confluence age? है? Student, they are studying, aren't they? मना अंत तक पढ़ाई पढ़ते रहेंगे जब तक संगम युग रहेगा. It means will they just keep studying till the end, till the confluence age lasts? है? Student, now we are becoming Brahmins. अच्छा अंत तक ब्राह्मण ही बने रहेंगे. अच्छा will they be just Brahmins till the end? है? Student, the Purushartha is not complete. नहीं. No. अरे सीधी सी बात है. अरे it is a simple thing. सांप का बच्चा सांप ही होगा. The young one of a snake will certainly have the form of a snake. लंबा लंबा होगा कि नहीं? Will it be long or not? हाथी का बच्चा हाथी ही होगा. The young one of an elephant will certainly have the form of an elephant. होगा या नहीं होगा? होगा. Will it be or not? It will. चींटी का बच्चा चींटी होगा. The young one of an ant will certainly have the form of an ant. कि चींटी से हाथी पैदा हो जाएगा. Or will an elephant be born to an ant? नहीं होगा ना. It won't.
विलेट वकील से वकील ही बनेंगे नहीं बनेंगे जस्ट लॉयर्स विल बी क्रिएटेड बाय अ लॉयर वोंट दे बनेंगे इंजीनियर से इंजीनियर ही बनेंगे दे विल जस्ट इंजीनियर्स विल बी क्रिएटेड बाय एन इंजीनियर तो यहाँ संगम युग में देवताएं नहीं हो सकते बनाने वाला कौन है सो द डीटीज कैन नॉट एग्जिस्ट हियर इन द कॉन्फ्लुएंस एज हु इज द क्रिएटर अरे बनाने वाला भगवान है अरे गॉड इज द क्रिएटर तो भगवान के बच्चे भी क्या होंगे सो व्हाट विल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑल्सो बी भगवान भगवती जैसे संस्कार वाले होंगे दे विल बी द वंस विद द संस्कार्स लाइक दैट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस क्या व्हाट भगवान आता है तो आप समान बनाता है ना व्हेन गॉड कम्स ही मेक्स अस इक्वल टू हिमसेल्फ डजंट ही भगवान आता है तो क्या बनाता है What does God make us into when He comes? यथा राजा तथा प्रजा बनाता है ना? He makes the subjects like the king, doesn't he? आज की दुनिया में कहेंगे कि यथा राजा तथा प्रजा है? Will it be said that in today's world the subjects are like the king? हैं? कहेंगे? Will this be said, student? No. प्रजा माने बच्चे. Subject means children. जो आज राजाएं गद्दी पे बैठे हैं, वो प्रजा को अपने बच्चों की भांति पालना करते हैं Do the kings who are sitting on the seat today sustain the subjects like they sustain their children? करते हैं नहीं करते Do they don't. लेकिन ये पहले युग का गायन है संगम का क्या But it is the praise of the first age, the confluence age. What? यथा राजा तथा प्रजा As is the king, so are the subjects. सतयुग में भी ये नहीं कहेंगे क्या This won't be said for the golden age either. What? यथा राजा तथा प्रजा कहेंगे As is the king, so are the subjects. Will this be said? क्यों नहीं कहेंगे Student, no. Why not? अरे कृष्ण सूर्यवंशी होगा तो कृष्ण की पीढ़ियों में जो 7 पीढ़ियां चलेंगी वो यथा राजा तथा प्रजा सूर्यवंशी नहीं होंगे अरे व्हेन कृष्ण इज सूर्यवंशी द 7 जनरेशंस दैट फॉलो द जनरेशन ऑफ कृष्ण वोंट दे बी सूर्यवंशी एज पर द रूल एज इज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स अरे होंगे कि नहीं होंगे विल दे बी दैट और नॉट समवन सेड दे विल होंगे They will. कहाँ होंगे How will they be that? First prince है श्री कृष्ण श्री कृष्ण इज द फर्स्ट प्रिंस सतयुग का महाराजा द एम्परर ऑफ द गोल्डन एज उसके जो बच्चे बनेंगे या उसकी पीढ़ियों में जो भी बच्चे होंगे वो 16 कला संपूर्ण होंगे कि 15 कला संपूर्ण होंगे Will his children Or all the children in his generations be complete with 16 celestial degrees or will they be complete with 15.75 celestial degrees? Student, they will be complete with 15.75 celestial degrees. तो कहाँ हुए यथा राजा तथा प्रजा? Then how are the subjects like the king? और यहाँ? And what about here? यहाँ कलातीत भगवान कहा जाता है. Here, God is said to be Kalatit, meaning the one who is beyond celestial degrees. भगवान कलाओं में बांधा जाता है या कलातीत होता है? Is God bound in celestial degrees or is he Kalatit? Student, he is Kalatit. कलाओं से परे है. He is beyond the celestial degrees. तो भगवान के बच्चे भी कैसे होंगे? So. How will the children of God also be? कलाओं से परे होंगे कि कलाओं में बंधे हुए होंगे They will be beyond the celestial degrees. Or will they be bound in celestial degrees? कलातीत है जैसे भगवान कल्याणकारी है भगवान के बच्चे भी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सारे कल्प का अंत करने वाले होंगे या नए कल्प की शुरुआत करने वाले होंगे They will be Kalatit,
जस्ट लाइक गॉड इज बेनिफिशियल दैट इज कल्याणकारी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड विल ऑल्सो बी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी मीनिंग द वंस हु आर बियॉन्ड सेलेस्टियल डिग्रीज बेनिफिशियल हु पुट एन एंड टू द कल्पा दैट इज साइकिल विल दे बी द वंस हु ब्रिंग द एंड ऑफ द एंटायर कल्पा और द वंस हु कमेंस द न्यू कल्पा स्टूडेंट The ones who bring about the end. जो भी रुद्रमाला के मन के हैं वो रौद्र रूप धारण करेंगे तभी तो रुद्र कहे जाएंगे All the beads of the Rudramala, they will be called Rudra only when they take on a fearsome form, that is Rudra Roop. Rudramala, meaning the rosary of Rudra. तो वो रौद्र रूप धारण करने वाले कल्प का अंत करेंगे या नए कल्प की शुरुआत करेंगे So those ones who take on a fearsome form, will they bring about the end of the kalpa or will they commence the new kalpa? Hain? Kalpa ka ant karenge? They will bring about the end of the kalpa. To jo kalpantakari hain, kalpa ka ant karne wale hain, wo devatayein kahe jayenge? So will those who are kalpantakari, the ones who bring about the end of the kalpa, be called deities? Hain? देवताएं अंत करते हैं कि आरंभ करते हैं डू द डीटीज ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ समथिंग और डू दे स्टार्ट समथिंग स्टूडेंट्स दे स्टार्ट समथिंग नई दुनिया का आरंभ होता है उनसे तो इन फैक्ट द न्यू वर्ल्ड बिगिंस फ्रॉम देम तो देवताएं तो यहाँ हो भी नहीं सकते डीटीज कांट एग्जिस्ट हियर एनीवे तो इसलिए असुरों की असुरों में लड़ाई So for this reason, the demons fight with demons. क्या कहा? What was said? अगर लड़ाई होती भी है, तो किसकी किसके साथ होती है? If a fight does take place, who fights with whom? असुर. हैं? असुर. Student, the demons with demons. सूर्यवंशी सूर्यवंशियों के साथ नहीं लड़ेंगे. The Suryavanshis won't fight with other Suryavanshis. किसके साथ लड़ेंगे With whom will they fight? असुर असुर आपस में लड़ जाएंगे The demons will fight among themselves. लड़ाई के संस्कार होते ही नहीं है सूर्यवंशियों में The Suryavanshis don't have the संस्कार of fighting at all. होते हैं होते नहीं Do they have it? They don't have it at all. तो भगवान के बच्चे हैं They are indeed the children of God. भगवान आके लड़ाई करना सिखाता है क्या नहीं Does God teach to fight when he comes? No. तो ये असुरों असुरों की लड़ाई है So, it is the fight of the demons amongst themselves. इसलिए बाबा कहते हैं जो आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं वो मेरे This is why Baba says, those who fight and quarrel among themselves, they are हैं? मेरे बच्चे नहीं They aren't my children at all. किसके हैं? Then whose children are they? जब तक आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब तक मेरे बच्चे नहीं, किसके बच्चे? Until they fight and quarrel among themselves, they aren't my children. Whose children are they? हैं? रावण के बच्चे. They are the children of Ravan. या तो इस्लामियों के बच्चे. Or else they are the children of the people of Islam. है? जैसे पति पत्नी है फॉर एग्जाम्पल देर आर हस्बैंड एंड वाइफ ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते हैं वेदर दे फॉलो द नॉलेज और नॉट लेकिन पति तो पुरुष है दुर्योधन दुशासन और पत्नी भी है द हस्बैंड इज एनीवे अ मैन ही इज दुर्योधन दुशासन एंड देर इज अ वाइफ एज वेल दुर्योधन दुशासन मीनिंग विलेनियस कैरेक्टर्स इन द इपिक महाभारत दुर्योधन दुशासन तो नहीं कहा She is certainly not said to be Duryodhan Dushyasan. फिर लड़ती हैं कि नहीं लड़ते हैं? Then do they fight with each other or not? हैं? लड़ते हैं। अगर लड़ते हैं, तो दोनों रावण के बच्चे हैं या नहीं हैं? They do. If they fight, are both of them the children of Ravan or not? हैं? नहीं। दोनों रावण के बच्चे, भगवान के बच्चे नहीं। Both are the children of Ravan. They aren't the children of God. तो असुरों असुरों की लड़ाई है So it is the war of the demons among themselves. यानी असुर ये यवन हैं।
It means these yavans are demons. कौन? Who? कौन असुर हैं? Who are the demons? ये यवन, यवन किनको कहा जाता? These yavans, who are called yavans? मुसलमानों को? The Muslims. मुसलमान जो हैं, कौन सा विकार प्रधान होता है उनमें? As regards the Muslims, which vice is dominant in them? काम विकार. Lust. चलो इस्लामी जो कामी हैं, वो बाद में मुसलमान भी बन गए. All right. The people of Islam who are lustful, they became Muslims later. और उनकी लोभ की वृत्ति प्रत्यक्ष हो गई. And their nature of greed was revealed. लोभ के कारण उन्होंने भारत में आके डकैती डाली, डकैत बन गए, हिंसा की. Because of greed, they came to Bharat and looted it. They became dacoits. They committed violence. Dacoits meaning a member of an armed gang of robbers. लोभ के कारण की ना? They did this out of greed, didn't they? लेकिन उस हिंसा के पीछे, लूटपाट के पीछे भी कोई मकसद रहा होगा कि नहीं? But would they have had an intention even behind committing violence and looting or not? Student, they had. क्या मकसद था जो यहाँ आकर के उन्होंने लूटपाट की? What was their intention behind coming here and looting? है? है? अपना विस्तार करने का अपना. Student, to expand their rule. फिर विस्तार करने से फायदा क्या है? What is the use of expanding their rule? इससे और हम की जिंदगी भोगने वाले हैं. Student said something. Yes. ये मुख्य बात है देवताओं की और असुरों की. This is the main point of difference between the deities and the demons. गीता में भी कहा है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता. It has also been said in the Gita, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता. जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हो. It means the one whose every task in the life is devoid of the thought of the vice of lust. क्या? What? देवताओं के जो कार्य होते हैं, जैसे नाटकबाजी करते हैं, चित्रकारी करते हैं. The tasks of the deities, like they perform drama, they draw pictures. संगीत विद्या में रत रहते हैं. They remain busy in learning music. चित्रकारी करते हैं तो उसमें उनका काम विकार काम करता है. They do drawing. Then is lust involved in performing these tasks? नहीं. No. द्वापर युग से क्या होता है? What happens from the copper age? हर एक मनुष्य मात्र का किसी भी कार्य करने का लक्ष्य क्या रहता है? What is the aim of every human being behind performing any task? कोई भी धंधा दोरी करेंगे उसका लक्ष्य क्या है? They may do any job or business. What will be their aim? काम विकार का सुख लेना. To enjoy lust. ये लक्ष्य रहता है. They have this aim. चलो ब्राह्मण भी बन गए अभी. All right. They have become Brahmins now. क्या कहेंगे, संपूर्ण ब्राह्मण है या अधूरे ब्राह्मण है? What will be said for them? Are they complete Brahmins or incomplete Brahmins? अधूरे ब्राह्मण. क्यों? They are incomplete Brahmins. Why? है? अगर पेट का धंधा करते हैं तो क्यों करते हैं? बाबा ने तो जिम्मेवारी ली है. मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते. If they do business to fill their stomach, why do they do it? Baba has certainly taken the responsibility saying, my children cannot die of hunger. तो क्यों धंधे धोरी में लगे हुए? Then why are they engaged in doing business? लक्ष्य क्या है? What is the aim? मकसद क्या है धंधे धोरी करने का? What is the intention behind doing business? अरे कोई मकसद है या नहीं है? अरे do they have any intention or not? अरे Student, Baba, they have. क्या है? What is it? एक आदमी सच्चा निकला, है बाबा. बाकी सब चुप. Just one person appeared to be true, who said, Baba, they have. All the rest are quiet. हाँ, क्या मकसद है? Yes,
व्हाट इज द इंटेंशन? अरे धंधे थोड़ी क्यों कर रहे हैं? अरे व्हाई आर यू डूइंग बिजनेस? बीबी बाल बच्चों का पोषण करने के लिए. क्यों पोषण कर रहे हैं? टू नर्चर वाइफ एंड चिल्ड्रन. व्हाई आर यू नरिशिंग देम? Someone said something. Yes. गोरख धंधा क्यों कर रहे हैं ये गौओं को पालने का धंधा जब गोपाल का नहीं आया हुआ है? Why are you doing गोरख धंधा? Meaning this business of rearing cows when Gopal Kanhaiya has come. Gopal Kanhaiya meaning the one who rears cows, a title of Krishna. किस लिए कर रहे हैं? Why are you doing this? अरे मकसद कुछ है कि नहीं? अरे do you have any intention or not? हैं? Student we do. हाँ वो गऊ अपने तो बैल भी चाहिए. Yes if there are cows bulls are also required. नहीं तो बैल की रखवाली कौन करेगा? Otherwise who will look after the bulls? तो ये बैलबाजी करने का लक्ष्य बुद्धि में है. So this aim of doing the act of a bull is in the intellect. इसलिए धंधे धोरी में लगे हुए. This is why you are engaged in business. किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है. If someone wants to say something he can. क्योंकि ये कैसेट सारी दुनिया में जाएगी. Because this cassette will go to everyone in the entire world. कोई झूठ बात हो तो बताना. If anything that was said is false do tell me. हैं? हाँ इसलिए गीता में जो कहा है वो सच्ची बात कही. Student it is true. Yes this is why what has been mentioned in the Gita is true. कि जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हैं वो ही संपन्न पुरुषार्थी है. It has been mentioned that the one whose entire tasks in life are devoid of the thought of the vice of lust he himself is a complete purusharthi. Purusharthi meaning the one who makes spiritual effort. To asuron ki ladai asuron se dikhai gayi hai. So the demons have been shown to be fighting with other demons. Jab tak asur hai tab tak aapas mein ladte hain. Until they are demons they fight among themselves. यानी असुर ये यवन है. इट मीन्स दीज यवन्स आर डीमंस. क्या? व्हाट? कौन है? हु आर दे? जो लड़ते हैं वो क्या है? व्हाट आर दोज हु फाइट? हैं? असुर डीमंस. क्योंकि मुरली में बोला है. बिकॉज इट हैज बीन सेड इन द मुरली. जिनको क्रोध आता है. दोज हु बिकम एंग्री. आता तो है ना सभी को. Everyone does become angry, don't they? चलो नींद ही आती है. All right, they feel sleepy. क्रोध करने से थकान होती कि नहीं? हैं? Does someone feel tired on becoming angry or not? बहुत थकान होती. They feel very tired. तो क्रोध करने वाले में काम विकार का अंश जरूर होगा. So the one who becomes angry will definitely have a trace of lust in him. काम विकार का अंश होता है तो इससे साबित होता है कि ये काम विकार ही कामेशु क्रोधेशु जरूर बनते हैं. If there is a trace of lust, it proves that this lust itself, they certainly become kameshu krodheshu, meaning lustful. So wrathful. क्रोध आ जाता है. They become angry. तो तुम देखते हो कि मुसलमान का राज्य अभी तुम देखते हो बरोबर. You truly see the rule of the Muslims at present. दुनिया में सबसे जास्ती राजाई 2500 वर्ष के वर्ष में टाइम में जब से विकारी दुनिया शुरू हुई द्वैतवादी दुनिया तो ये सबसे ज्यादा राज्य किसने किया है इस दुनिया में? इन द पीरियड ऑफ 2500 ईयर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द विशियस वर्ल्ड द डुअलिस्टिक वर्ल्ड बिगन हु रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन दिस वर्ल्ड? मुसलमानों ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किया.
Students, the Muslims. The Muslims ruled for the longest period. उसके बाद नंबर आया क्रोधियों का भी 100-200 वर्ष से. Christians. After that, it is the turn of the angry ones, the Christians, now for the last 100 to 200 years. Christians का राज्य दुनिया में अभी 200 वर्ष से चला है, 200 वर्ष के अंदर. There has been the rule of Christians in the world for 200 years, less than 200 years. तो बरोबर तुम देखते हो मुसलमानों का राज्य. So, you truly see the rule of Muslims. देखो बम से भी है. Look, there are bombs as well. क्या? What? Bomb. Bomb. क्या करेंगे बम्बों से? What will they do with bombs? किस लिए बनाए? Why have they been made? है? Student destruction. अगर हमारे सामने आंख उठाई तो हम क्या करेंगे? They say if someone raises eyes, meaning looks angrily at us, what will we do? बम्ब से भस्म कर देंगे. We will reduce them to ashes with the help of bombs. तो ये कौन है? So who are they? वो तो यवन है. कामी. Those ones are yavans, the lustful ones. और ये कौन है? And who are these ones? यादव. यादवास, meaning the descendants of यदु. कहते हैं यादवों के पेट से मूसल निकले, missiles. It is said that pestles, that is missiles, emerged from the stomach of the Yadavas. तो ये बुद्ध रूपी पेट वाले हैं, जिनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकलते हैं, कहते हैं हम घर बैठे तुम्हारी राजधानी फूंक देंगे. So they are the ones with a stomach-like intellect. Missiles emerge from their stomach-like intellect. They say, we will blow up your capital while sitting at home. तो लड़ाई देखो कैसे हो. So look, how will the war take place? यवन भी हैं, पांडव भी हैं. There are Yavans as well as Pandavas. तो पांडवों का कर्तव्य है non-violence. The duty of the Pandavas is to practice non-violence. यवन भी लड़ाई लड़ते हैं और हैं? Christians भी लड़ाई लड़ने दोनों ही असुर हैं. The Yavans fight as well as the Christians fight. Both are demons. पांडवों को क्या कर्तव्य है? What is the duty of the Pandavas? अहिंसक बनना. To become non-violent. कैसे यो अहिंसक बने? जो हिंसा न हो. How did they become non-violent so that there is no violence? पांडव प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं थे. Weren't the Pandavas of the household path? थे या नहीं थे? Were they or not? Student, they were. थे तो प्रवृत्ति मार्ग वाले. They were certainly of the household path. तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति में रहेंगे या निवृत्ति में रहेंगे? So will the ones belonging to the household path live in the household or in renunciation? है? प्रवृत्ति में तो रहेंगे. They will certainly live in the household. कर्मेंद्रियों को कर्मों में प्रवृत्त करेंगे या नहीं करेंगे? Will they engage the कर्मेंद्रिया in actions or not? कर्मेंद्रिया meaning parts of the body used to perform actions. कर्मेंद्रियों से वो सन्यासी तो काम धंधा ही छोड़ देते हैं. Through the कर्मेंद्रिया those sannyasis just renounce performing tasks. कहते हैं हम रोटी नहीं पकाएंगे. They say we won't cook rotis, that is chapatis. अब रोटी अकेले न पकाने से अपना खाना नहीं बनाने से क्या निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हैं? Well, does someone become the one belonging to the path of renunciation just by not cooking rotis or not cooking food for the self? Student, no. कर्मेंद्रिया हैं तो कर्मेंद्रिया अपना कर्म जरूर करेंगी. कर्म धारा बगैर कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता. If there are karmendriya, the karmendriya will definitely perform actions. No human being can live without performing actions at all. कर्मेंद्रियों का कर्म कोई छोड़ दे ऐसा हो सकता है?
Is it possible for someone to stop performing actions through the karmendriya? अच्छा नाक से सांस लेंगे कि नहीं? अच्छा, will you breathe through the nose or not? Student, we will. नाक भी इंद्रिय है? The nose is also an indriya. नहीं लेंगे? Won't you breathe? सांस लेनी पड़ेगी? You will have to breathe. पांव है? There are legs. एक ही जगह खड़े रहेंगे क्या? Will you stand at just one place? है? स्थिर हो जाएंगे? Will you become stable? नहीं, पांव है तो चलने फिरेंगे फिर? होगी जरूर, चले फिरेंगे जरूर? No. When you have legs, you will definitely have the wish to walk around. You will definitely walk around. तो जो पांडव हैं वो कैसे नॉन वायलेंस धारण करें? So how will the Pandavas assimilate the quality of non-violence? कर्म इंद्रियों से कर्म तो करेंगे. They will certainly perform actions through the karmendriya. कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे, चलो पांव से चलेंगे. They will perform actions through the karmendriya. All right. Suppose they walk with their legs. तो पांव से चलते समय चींटी मरेगी कि नहीं मरेगी? Will an ant die while walking with the legs or not? Students, it will. तो अहिंसक कैसे बने? Then how did they become non-violent? चींटी में आत्मा है या नहीं है? Does an ant have a soul or not? नहीं है. है. Doesn't it have a soul? It has. तो वो हमारे पांव से मसली जाएगी तो बिलबिलाएगी कि नहीं? So when it is crushed under our feet, will it wriggle or not? है? उसको दुख नहीं होगा? Won't it feel the pain? Someone said it will. तो दुख देने वाले हुए कि नहीं? So did they become the ones who give sorrow or not? हिंसक हुए? हिंसा माने क्या? Did they become violent? What does violence mean? हिंसा माने दुख देना. Violence means to give sorrow. तो non-violence कैसे बने? अहिंसक कैसे बने पांडव? Then how did they, the Pandavas, become non-violent? हैं? इच्छा नहीं थी ना उनका, देखा नहीं है. स्टूडेंट, दे डिडंट डू इट डेलिबरेटली. जानते तो हैं कि चलेंगे तो मरेंगे. दे डू नो दैट इफ दे वॉक द एंट्स विल डाई. हैं? याद नहीं रहती. अ मदर सेड दे रिमेन इन रिमेम्बरेंस. हाँ. यस. याद नहीं रहती. अहिंसक बनेंगे तब कि जब हम काम तो करें. We will become non-violent when we do perform actions. कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही है, लेकिन हमारा भाव, भावना कहाँ लगी हुई हो? We do have to perform actions through the कर्मेंद्रिया, but our intention, our feelings should be devoted to whom? भगवान की याद में लगी हुई हो. Our mind should be engaged in the remembrance of God. तो भगवान किसी को दुख देता है क्या? हैं? Does God give sorrow to anyone? Student, no. भगवान तो किसी को दुख नहीं देता. God certainly doesn't give sorrow to anyone. तो जब हम उसकी याद में टिके हुए होंगे तो हमारा जो भी पाप कर्म बनेगा उसका कोई हिसाब किताब हमारे साथ नहीं बनेगा. So when we are stabilized in his remembrance, no karmic accounts of any sinful action that we perform will be formed. बनेगा? Will it be formed? हमारी आत्मा के साथ हिसाब किताब बनेगा? Will any karmic account be formed with our soul? नहीं बनेगा. It won't. कितनी बार मिसाल दी है बाबा ने? बाबा has given this example so many times. जैसे कोई महबूब है, अपनी महबूबा की याद में कारखाने जा रहा है. Suppose there is a lover. He is going to the factory in the remembrance of his beloved. आँखें खोले हैं कि बंद है? Are his eyes open or closed? खुली हुई आँखों से जा रहा है. He is going with his eyes opened. कारखाने में पहुँच के किसी ने पूछा, भाई मेरे दोस्त, तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? When he reached the factory, someone asked him, brother, my friend, whom did you see in the path? वो तो मैंने किसी को नहीं देखा. He said, I didn't see anyone. क्यों? आंखें तो खुली हुई थी.
Why? His eyes were open. अरे आंखें इंद्रिया नहीं है? अरे aren't the eyes indriya? इंद्रिया अपने कर्म कर रही थी ना, क्यों नहीं देखा? The indriya were performing their tasks, weren't they? Then why didn't he see? है? हाँ, जो भी इंद्रिया हैं, 10 इंद्रिया हैं, 100 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। A mother said he was in the remembrance of his beloved. Yes, all the indriya, there are 10 indriya. It is the mind that controls all the 10 indriya. अगर इंद्रियों को मन का आधार न मिले तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकेंगी, करते हुए भी नहीं कर सकेंगी। If the mind doesn't support the indriya, they won't be able to do anything at all. They won't be able to do anything even while doing it. माने देखते हुए भी नहीं देखेंगी। It means they won't see something even while seeing. सुनते हुए भी even while listening, students, they won't listen. ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, बाजे बज रहे हैं, तो सुनाई पड़ेंगे? No, if the attention is somewhere else and people are playing instruments, will it be audible to him? नहीं सुनाई पड़ेंगे। तो ऐसे ही यहाँ बताया कि नॉन वायलेंस अहिंसक कैसे बने पांडव? It won't. So the same was said here about how the Pandavas became non-violent. Yeah. A mother said through remembrance. Yes. भगवान की याद में रह करके अहिंसक बने। They became non-violent by staying in the remembrance of God. जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। You will become just like the one whom you remember. डकैतों को याद करेंगे। If you remember dacoits. डकैतों के साथ मन बुद्धि लगी रहेगी। If the mind and intellect remains engaged in the thoughts of dacoits. इस बात में एक्सपर्ट बनेंगे। In what will you become an expert? डकैती डालने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। You will become an expert in robbery. वो गुण डकैतों के आएंगे जरूर संग करने से। You will definitely develop qualities of dacoits by being in their company. संग का रंग लगता है कि नहीं लगता है? Does the color of the company affect someone or not? लगता है। It does. तो क्या तरीका बताया? So what method was said? कि जो पांडव हैं, वो non-violent अहिंसक कैसे बने? How did the Pandavas become non-violent? भगवान की याद से अहिंसक बने? They became non-violent through the remembrance of God. तो बताओ? So tell me. पांडवों ने भी लड़ाई नहीं लड़ी। The Pandavas didn't fight. मुसलमानों ने भी लड़ाई नहीं लड़ी। The Muslims didn't fight. असुरों ने भी लड़ाई नहीं लड़ी। And the demons didn't fight either. तो लड़ाई कैसे हो? Then how will there be a war? संकल्प। Student of thoughts. संकल्प में लड़ाई है। Will there be a war of thoughts? संकल्प से लड़ाई होगी तो वाचा से भी होगी। If there is a war of thoughts, there will be a war of speech as well. वाचा से होगी तो कर्मेंद्रियों से भी होगी। If there is a war of speech, there will be a war of the karmendriya as well. यहाँ सवाल है, लड़ाई कैसे हो? जो शास्त्रों में लड़ाई दिखाई है। Here the question is, how will the war that has been mentioned in the scriptures take place? मन में। Student, in the mind. No. लड़ाई कैसे हो? How will there be a war? अरे जब याद में नहीं रहेंगे तो लड़ाई होगी। अरे when you don't remain in remembrance, there will be a war. याद में रहेंगे तो लड़ाई की बात ही नहीं। If you remain in remembrance, there is no question of a war taking place at all. कोई बताए कि लड़ाई कैसे हो जो शास्त्रों में लिखी हुई है। Someone tell us, how will the war that has been mentioned in the scriptures take place? रक्त की नदियाँ यहाँ कैसे बहें? How will the rivers of blood flow here? कैसे का जवाब चाहिए। An answer is needed for how. रक्त की नदियाँ। The rivers of blood.
जब स्थूल लड़ाई होती है ना, स्थूल हिंसा होती है, मारकाट होती है, तो खून की नदियाँ बहती है ना। There are physical wars, aren't there? When there is physical violence, when there is fighting and killing, the rivers of blood flow, don't they? वो खून की नदियाँ बहती है यहाँ। There, the rivers of blood flow. What is it here? यहाँ जब स्त्री पुरुष हो, मान लो वो ही लड़ाई लड़ते हैं घर में, तो संकल्पों का खून बहता है कि नहीं बहता है? Suppose there is a husband and a wife here and they themselves fight with each other at home. Does the blood of thoughts flow or not? Student, it does. ये आत्मा का खून है, आत्मा के संकल्पों का खून। खून बहेगा तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? This is the blood of the soul. If the blood of thoughts of the soul flows, will the soul become weak or powerful? Students, it will become weak. जैसे वो स्थूल लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनमें घाव लगते हैं, खून बहुत ढेर सारा बह जाता है, तो जो युद्ध है वो कमजोर हो जाता है या लड़ाई लड़ने योग्य रह जाता है। Just like in those physical wars that take place, when the warrior is wounded and a lot of blood flows away, does he become weak or does he remain capable of fighting the war? कमजोर हो जाता है। He becomes weak. वो है देह की बात और ये है? That is about the body and what is it here? आत्मा की बात। It is about the soul. आत्मा कमजोर बनती है मन के संकल्पों से युद्ध करने से। The soul becomes weak because of fighting a war with the thoughts of the mind. संकल्पों का खून बह जाता है तो कमजोरी आ जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है। When the blood of thoughts flows away, weakness comes in every soul. The soul becomes weak. और जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो न आत्म की स्थिति में रह पाती, न बाबा की याद में टिक पाती। And when the soul becomes weak, neither is it able to stay in the soul conscious stage, nor is it able to stabilize in Baba's remembrance. अगर अंग्रेज लोग होते तो ऐसी रक्त की नदी नहीं बह सकती। Had the English people existed, such rivers of blood wouldn't have flowed. क्या? What? ये क्या बात कह दी? What was said? है? क्या अंग्रेज जब भारत में थे, राज्य करते थे, तब खून की नदियाँ नहीं बहती? When the English people were in Bharat, when they ruled Bharat, didn't the rivers of blood flow? हैं? बही थी? फिर? They did. Then? ये बात कैसे कहती? How was this said? अगर अंग्रेज लोग होते, तो ऐसी रक्त की नदियाँ नहीं बह सकती। कैसी? Had the English people existed, such rivers of blood wouldn't have flowed. What kind of rivers? कैसी रक्त की नदियाँ? What kind of rivers of blood? हाँ? नहीं। Someone said something. No. जैसी काम विकार के आधार पर रक्त खून की नदी बहती है। Like the rivers of blood that flow because of lust. काम विकार से आदमी जब परेशान हो जाता है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो संकल्प चलते हैं कि नहीं? When a man is troubled because of lust, his desire is not fulfilled, are thoughts created in his mind or not? संकल्प चलते हैं, संकल्पों का खून बहता है। Thoughts are created, the blood of thoughts flows. इसलिए बोला कि अंग्रेज लोग होते तो ऐसी रक्त की नदी नहीं बह सकती। This is why it was said, had the English people existed, such river of blood wouldn't have flowed. कैसी? What kind of river? जैसी यवनों ने बहाई। The river like the Yavans made to flow. यवन आज भी, मुसलमान आज भी भारत से कनेक्शन रखे हुए हैं। The Yavans, the Muslims have maintained a connection with Bharat even today. क्या करते हैं वो? What do they do? यहाँ से गरीब लड़कियों को खरीद खरीद के ले जाते हैं। They buy poor girls from here and take them away. और ले जाकर के अपने यहाँ दासियाँ बनाते। And after taking them away, they make them their maids at their place. उनके साथ व्यभिचार भी करते हैं। They even abuse them physically. तो
ये जो काम विकार की नदी है वो भयंकर है या क्रोध की नदी भयंकर है? So is this river of lust fearsome or is the river of anger fearsome? काम विकार की नदी बहुत भयंकर है। The river of lust is very fearsome. इसलिए बोला अगर अंग्रेज लोग होते तो ऐसी रक्त की नदी नहीं बह सकती। This is why it was said, had the English people existed, such river of blood wouldn't have flowed. रक्त की नदी बहती ही तब है जबकि देखो ये ट्रांसफर हो गया है। Look, the river of blood flows only when this one has been transferred. क्या ट्रांसफर हो गया है? What has been transferred? है? Hmm? क्या ट्रांसफर हो गया? What has been transferred? नदी बहती तब है ऐसी नदी जबकि देखो ये ट्रांसफर हो गया है। Look, such rivers flow only when this one has been transferred. कौन ट्रांसफर हो गया? Who has been transferred? हैं? ये माने कौन? What does this one mean? ये ट्रांसफर हो गया है। This one has been transferred. ब्रह्मा। हाँ। A mother said, Brahma, yes. ये ब्रह्मा जो है, वो सूक्ष्म बदन में ट्रांसफर हुआ ना? This Brahma was transferred to the subtle world, wasn't he? है? तो उसकी जगह कौन आया? Student, yes. So who came in his place? प्रजापिता आया। प्रजापिता came. ज्यादा पतित कौन है? Who is more impure? प्रजापिता ज्यादा पतित है। प्रजापिता is more impure. कौन से विकार से ज्यादा पतित है? He is impure with respect to which vice? अरे जन्म जन्मांतर कौन से विकार से ज्यादा पतित हुआ? अरे he became impure for many births because of which vice? काम विकार से ज्यादा पतित हुआ। He became more impure because of the vice of lust. तो देखो। So look. रक्त की नदी बहती ही तब है जबकि देखो ये ट्रांसफर हो गया है। The river of blood flows only when this one has been transferred. बरोबर समय ही ऐसा बन गया है। Precisely, the time itself has become such. कैसा? How? बरोबर समय ही ऐसा बन गया है। Precisely, the time itself has become such. जिनके साथ दुश्मनी है? Those with whom we have enmity. किनके साथ दुश्मनी है? With whom do we have enmity? है? बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? Who is the biggest enemy? है? जोर से बोलो ना। Speak loudly, won't you? Someone said Brahma. Brahma, Brahma दुश्मन है। Brahma is the enemy. है? Ravan. Someone said Ravan. अरे रावण को भी 10 मुंह है, 10 सिर हैं। अरे रावण has 10 heads. बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? Who is the biggest enemy? Oh. Pandavas. हैं? Someone said the Pandavas. पांडव दुश्मन है। Are the Pandavas the enemies? अरे गीता में किसको दुश्मन बताया? अरे who has been mentioned to be our enemy in the Gita? हैं? गीता में बड़ा दुश्मन किसको बताया है? काम विकार को। Who has been mentioned as the biggest enemy in the Gita? Students, lust. Lust. जेहि एनम पापमानम। It is written in the Gita. जेहि एनम पापमानम। ये बहुत बड़ा पापी है, इसको जीत ले। It means it is a great sinner. Gain victory over it. तो जिनके साथ दुश्मनी है। So those with whom we have enmity. और देखो। And see. दुश्मनी तो है। Certainly there is enmity. रक्त की नदी बही थी। The rivers of blood did flow. अच्छी बही थी। It flowed very well. कब? When? हैं? जब मुसलमानों का और हिंदुओं का पार्टीशन हुआ था। When there was a partition between the Muslims and the Hindus. खून की नदियाँ बही थी या नहीं बही थी?
did the rivers of blood flow or not? Students, they did. तो बहुत ही हुई है. So they flowed a lot. तो वो जो कहते हैं ना. It is said, isn't it? भाइयों भाइयों की युद्ध हुई. There was a war between brothers. कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई. There was a war between the Kauravas and the Pandavas. तो ये भाई भाई तो है ना. So they are certainly brothers, aren't they? कौन? Who? भाई भाई तो है ना. They are certainly brothers, aren't they? कौन? Who? यमन? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सब आपस में भाई भाई. The Yavans, the Hindus, the Muslims, the Sikhs and the Christians are all brothers for each other. यज्ञ के आदि में भी ये भाई भाई ही थे. In the beginning of the yagya too, they were indeed brothers. Advance के आदि में भी. In the beginning of the advanced knowledge as well. जो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप के बच्चे थे वो क्या थे? What were the children of the father who revealed the father? भाई भाई थे. They were brothers. कौन कौन भाई भाई थे? Who were brothers? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न. राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न. चार मुख्य धर्मों के चार बीज थे. They were the four seeds of the four main religions. तो उनमें इस्लाम धर्म का बीज कौन था? Who is the seed of Islam among them? शत्रुघ्न. नहीं. Someone said शत्रुघ्न. No. भरत. भरत. भरत इस्लाम धर्म का बीज था. भरत इज द सीड ऑफ इस्लाम. बार बार कहता था. ही यूज्ड टू से रिपीटेडली. क्या उसके मुंह से निकलता था? व्हाट वर्ड्स यूज्ड टू कम आउट ऑफ हिज माउथ. अरे भाई भाई है तो फिर भाई जैसा हिस्सा ही हमको मिलना चाहिए ना. हैं? ही सेड अरे व्हेन वी आर ब्रदर्स वी शुड ऑल्सो गेट अ शेयर इक्वल टू द एल्डर ब्रदर्स शेयर. जो देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया कहा जाता है उसको 16,000 और हमारे को एक भी नहीं. द वन हु इज कॉल्ड द चीफ ऑफ द एंशिएंट डीटी रिलीजियन हैज 16,000 क्वींस एंड वी डोंट हैव अ सिंगल क्वीन. ये भाई भाई का कैसा बंटवारा. व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस अमंग ब्रदर्स. उल्टी बुद्धि चली या नहीं चली. डिड हिज इंटेलेक्ट वर्क इन अ रॉन्ग वे और नॉट. स्टूडेंट इट डिड. तो बाबा कहते हैं ये भाई भाई तो है ना. सो बाबा सेज दे आर सर्टेनली ब्रदर्स आरंट दे. देखो आधा वो है आधा ये है आपस में. लुक अमंग देम हाफ आर दोज एंड हाफ आर दीज. कौन है वो? हु आर दोज वंस. पाकिस्तान वाले भी आधे हिस्से में हैं और आधे में ये भी हैं आपस में. द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर इन वन हाफ पोर्शन ऑफ द लैंड एंड इन द रिमेनिंग हाफ देर आर दीज वंस. यूं तो भाई भाई तो सबको कहते हैं. As such, everyone is called brother among each other. चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो सब सब कौन है. Whether they are the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Christians, what are all of them? आपस ये हैं आपस में शुरुआत में तो एक ही भगवान के बच्चे थे ना. In the beginning, they all were the children of the one God, weren't they? सृष्टि शुरू कहाँ से हुई? From whom did the world begin? इस सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? From whom did this world begin? अरे भगवान ने ही सृष्टि की शुरुआत की ना. अरे God himself began this world, didn't he? तो पहले सब आपस में क्या थे? So at the beginning, what were they for each other? भाई भाई थे. They were brothers. चीनी हिंदू भाई भाई. The Chinese and the Hindus are brothers. चीनी माने बौद्ध. Chinese means the Buddhists. अभी चीनी हिंदू भाई भाई कहते तो हैं. Now they do say the Chinese and the Hindus are brothers. लेकिन वो तो दूर देश है. But they belong to a far off country. कौन? Who? चीनी. The Chinese. परंतु नजदीकी नजदीकी भाई भाई तो ये बैठे हैं. But these ones sitting close are brothers. कौन कौन? Who? हैं? Christian.
Someone said the Christians. Nahi. No. हाँ मुसलमान हिंदुओं के साथ घुसे पड़े हैं. Someone said the people of Islam. Yes, the Muslims are mixed with the Hindus. हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर गांव है जहाँ मुसलमान आपस में घुसे हुए हो? Is there any city or village of Hindustan where the Muslims aren't mixed with the Hindus? हैं? Student, they are everywhere. तो भाई भाई है ना? So they are brothers, aren't they? भाई भाई तो ये बैठे हैं. These ones who are sitting here are brothers. एक ही गांव में मस्जिद भी है और मंदिर भी है. मथुरा में क्या है? In the same village, there is a mosque as well as a temple. What is there in Mathura? Meaning, a pilgrimage place in Uttar Pradesh. भाई दीवार के उस पार मस्जिद बनी है. On one side of a wall, a mosque has been built. मंदिर के दीवार के इस पार मंदिर बना हुआ है. And on the other side of the wall of the mosque, a temple has been built. बनारस में भी क्या है? What is there in Banaras too? Banaras, meaning a pilgrimage place in Uttar Pradesh. बनारस में शिव बाबा का मंदिर भी बना हुआ है और वही पास में मस्जिद भी बनी हुई. In Banaras, the temple of Shiv Baba has been built, and there itself, near it, a mosque has also been built. देखो, भाई भाई एक ही गांव में था, जो partition हुई है. Look, the brothers were in the same village, and there was a partition. और फिर भी बैठे तो हैं ना? Yet they are living here, aren't they? नहीं बैठे. Aren't they living here? हैं? हिंदुस्तान में ही बैठे हैं कि कहीं दूसरे देश में बैठे हैं? Are they living in Hindustan itself or are they sitting in some other country? हिंदुस्तान का हिस्सा है पाकिस्तान. Pakistan is certainly a part of Hindustan. बरोबर बैठे हैं. बहुत मुसलमान हैं. They are certainly living here. There are many Muslims. और करोड़ों के अंदाज में यहाँ मुसलमान हैं. And there are crores, that is millions of Muslims here. कहाँ? Where? भले पाकिस्तान बन गया तो भी हिंदुस्तान में कितने अंदाज में? Student, in Bharat, though Pakistan was formed, what is the number of Muslims in Hindustan? करोड़ों के अंदाज में मुसलमान हैं. There are crores of Muslims. वैसे वहाँ भी तो हिंदू बहुत हैं. कहाँ? In the same way, there are many Hindus there too. Where? हैं? कहाँ? पाकिस्तान में भी तो हिंदू बहुत हैं. Where? Student, in Pakistan. There are many Hindus in Pakistan as well. तो देखो, लड़ाई तो इनकी लगती है ना बरोबर. So look, there is truly a war between these ones, isn't there? किनकी? Between whom? है हिंदुओं की और मुसलमानों की लड़ाई तो लगती है ना. There is a war between the Hindus and the Muslims, isn't there? वो युद्ध की तो बात नहीं है. It is certainly not about that war. वो स्थूल युद्ध उसकी बात नहीं है. It is not about that physical war. फिर क्या की बात है? है? Then what is it about? फिर लड़ाई किस बात की है? Then it is about which war? वो हिंसक युद्ध की बात नहीं है तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो अलग धर्मों के आधार मूर्त और बीज रूप बैठे हुए हैं. It is not about that violent war. So the root souls and the seed form souls of different religions who are sitting here in the Brahmin world. वहाँ किसकी बात है? It is about whom there? है? क्यों लड़ाई होती है? Why is there a war? बाबा ने लड़ाई का मूल कारण क्या बताया? What has Baba said to be the main reason for a war? विकार बताया. He has said it to be vices. तो रक्त की नदी कैसे बहे? How will the river of blood flow? कैसे बहे? How will it flow? बहने का मूल कारण क्या हुआ? What is the main reason of flowing? विकार. Student, vices. खास काम विकार.
especially lust. वो जो लड़ाई दिखलाई है ना, स्थूल लड़ाई शास्त्रों में. They have mentioned that war, the physical war in the scriptures, haven't they? उस लड़ाई में रक्त की नदी नहीं बहती है. The river of blood doesn't flow in that war. उस लड़ाई में मनसा से खून की नदी, माने संकल्पों के खून की नदी नहीं बहती है. In that war, the river of blood, meaning the river of the blood of thoughts of the mind, doesn't flow in that war. रक्त की नदी कहते हैं जब एक दो को खून करते हैं. It is called the river of blood when they kill each other. कौन सा खून? What kind of killing? इसे बाबा कहते हैं गौ हत्या. Just like Baba says, killing the cows. तो गौ का हत्यारे क्या सबसे बड़ा पाप लगता है ना? The one who kills cows accumulates the biggest sin, doesn't he? अब वो तो जानवर गौ में समझ लेते हैं. And they think this for cows, the animals. है कौन सी गौ की बात? It is about which cows? कन्या माताएं जो गौ हैं उनकी बात है. It is about the maidens and mothers who are like cows. उनका खून करते हैं. They are killed. उनको काम कटारी मारते हैं. यहाँ तो तलवार ही मार देते. They are stabbed by the dagger of lust, or else they are simply killed with a sword. कटारी छोटी होती है. A dagger is small. माने आँखों से चलाई जाती है काम कटारी. It means the dagger of lust is used through the eyes. और तलवार? And what about a sword? तलवार तो बड़ी होती है. A sword is bigger. एकदम खप कर देते हैं. They simply kill. ये क्या मतलब हुआ? What does it mean? ये तलवार क्या हुई और छुरी क्या हुई? What is a sword and what is a knife? अरे अभी तो इशारा दिया है, वो छोटी और वो बड़ी. क्या छोटी और क्या बड़ी? अरे, a hint was given just now. One is small and the other is bigger. What is small and what is bigger? Someone said something. नहीं. No. ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे असुर यवन बैठे हुए हैं. In the very world of Brahmins, such demons, yavans are sitting. जो पहले तो आँखों की कटारी चलाते हैं. Who first use the dagger of the eyes? हैं? उससे भी नहीं काम चलता है, तो कहीं अकेले दुकेले में पकड़ा और बस तलवार ही चला दी. If that doesn't work, they catch them in solitude, and that's it. They simply use this wand. कन्या है और कन्या के ऊपर घात कर दिया, उसे अपवित्र बना दिया, तो वो हो गई तलवार. Suppose there is a maiden, and if someone hurts the maiden, that is makes her impure. This means they use this wand. अगर कन्या किसी के द्वारा घात कर दी गई, तो कन्या की जिंदगी में वो कभी भूलेगा? If the maiden is hurt by someone, will that maiden ever be able to forget it in her life? हैं? नहीं भूलता है. She doesn't forget it. वो कभी नहीं भूलेगा. आँख का भले मारा हुआ भूल जाए, लेकिन ऐसा मारा हुआ तलवार का मारा हुआ भूलता नहीं. She will never forget it, though she may forget the dagger of lust hit by the eyes. But she will not forget when she is hit in this way, when she is hit by this sword. तो आजकल ये तो समझते हो कि तलवारें और छुरियां तो बहुत चलती हैं. So you do understand that nowadays swords and knives are used a lot. एक मुरली में बोला, सवेरे से शाम तक अच्छी तरह से काउंटिंग करो कि आँखों से कितनी बार पाप कर्म किया. Count properly how many times you performed a sinful act through the eyes from morning till evening. कितनी बार काम कटारी चलाई? बाबा जवाब देते हैं 40-50 बार तो भूले जरूर करते होंगे. How many times you used the dagger of lust? Baba replies, you will certainly have been committing mistakes 40-50 times. ये छुरी चलाई?
यू यूज्ड द डैगर ऑफ लस्ट दिस वे. मैंने तलवार नहीं मारते हैं, लेकिन छुरी तो 40-50 बार जरूर मार देते हैं. दो यू डोंट यूज द स्वॉर्ड, यू डेफिनेटली यूज द नाइफ 40-50 टाइम्स. तो सो आजकल ये तो समझते हो कि तलवारें और छुरियां तो बहुत रहती हैं. सो यू डू अंडरस्टैंड nowadays there are many swords and knives. क्या आजकल माने? What does nowadays mean? आजकल माने? What is meant by nowadays? हैं? कल माने जो बीता हुआ, कल कलयुग. Yesterday means the past, that is the iron age. और आज माने? And what is the meaning of today, that is आज. संगम युग. The confluence age. संगम युग में भी जो भी ब्राह्मण है यवन जाति के, वो क्या करते हैं? मुसलमानों का धर्म क्या है? वो क्या अपना धर्म समझते हैं? Even in the confluence age, what do the Brahmins belonging to the caste of Yavans do? What is the dharm of the Muslims? Dharm meaning beliefs and practices. What do they consider to be their dharm? किसका गोश्त खा ना? Someone said to engage in lust, to eat the meat of no. वो गोश्त किसका खाना पसंद करते हैं? गाय का. गाय का, गाय का गोश्त. Whose flesh do they like to eat? They like to eat cow's meat. वो अपना धर्म समझते हैं, अगर हमने गौ को मार दिया, गौ पे तलवारबाजी चला दी, तो ये हमने धर्म का काम किया. They consider it to be their dharma. They think if we killed a cow, if we used a sword on a cow, we followed our religion. आजकल ये तो समझते हो कि तलवारें छुरियां तो बहुत रहे. जब पार्टीशन हुआ तो तलवारों और छुरियों ने बहुत काम किया था. You do understand, nowadays there are many swords and knives. When there was the partition, swords and knives worked a lot. कितने माँ बाप की कन्याएं उजड़ गईं? The daughters of so many parents were dishonored. कितने माँ बाप की बहू और बेटियां उजड़ गईं? Daughter-in-law and daughters of so many parents were dishonored. तो ये छुरियां और तलवारबाजी चली या नहीं चली? So, were the knives and swords used or not? चली. They were. तो जरूर ये संगम का समय है. So certainly it is about the time of the confluence age. क्या कहा? संगम का समय है माने? What was said? What does it mean by the time of the confluence age? वो तो पार्टीशन युद्ध हुआ, पार्टीशन हुआ स्थूल में, और यहाँ संगम युग में? That war for partition, the partition took place physically, and here in the confluence age. शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है. देयर इज द शूटिंग, देयर इज द रिहर्सल. कृष्ण को संगम में तो दिखाएंगे ही नहीं कभी. कृष्णा विल नेवर बी शोन इन द कॉन्फ्लुएंस एज. हैं? शास्त्र में कहीं संगम में दिखाया है कृष्ण को? हैज कृष्णा बीन एवर मेंशनड इन द स्क्रिप्चर्स टू बी इन द कॉन्फ्लुएंस एज? नहीं, कहाँ दिखाया है? नो. When has he been mentioned to be? द्वापर. क्यों दिखाया है द्वापर में? Student, in the copper age. Why has he been mentioned to be in the copper age? अरे संगम युग श्रेष्ठ युग है या द्वापर युग श्रेष्ठ युग है? अरे, is the confluence age an elevated age or is the copper age an elevated age? संगम युग श्रेष्ठ है, वहाँ भगवान आते हैं. The confluence age is an elevated age. God comes in that age. भगवान तो एवर प्योर है कि काम कटारी चलाने वाला है. इज गॉड एवर प्योर और डज ही यूज द डैगर ऑफ लस्ट? एवर प्योर है. स्टूडेंट्स, ही इज एवर प्योर. ही इज एवर प्योर. तो कृष्ण को कभी संगम में नहीं दिखाएंगे, कहाँ दिखाते हैं? सो कृष्णा विल नेवर बी शोन टू बी इन द कॉन्फ्लुएंस एज. व्हेन इज ही सेड टू बी? क्यों? स्टूडेंट्स, इन द कॉपर एज. व्हाई? क्यों निकलाते हैं द्वापर? Why is he said to be in the copper age? अरे अरे द्वापर में कौन से धर्म के आए? अरे, the souls belonging to which religion came in the copper age? इस्लाम. इस्लाम धर्म के आए? Those of Islam came.
जो इस्लामी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, जो हिंदू, जो देवात्माएं, कच्चे देवताएं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, वो ढेर के ढेर आए कहाँ? Those who convert to Islam, the Hindus, the deity souls, the weak deities who converted to Islam came in large numbers. When? कौन सी उम्र? In which age? द्वापर में आए, तो उन्होंने जैसे हम भी? They came in the Copper Age. So they thought, just like us. जैसी दृष्टि? वैसी सृष्टि. As is the vision of someone, so is the world created by him. तो उनको क्या दिखाई पड़ा? So, what did they see? है? शास्त्रों की जो व्याख्या की है बाद वाले मनुष्यों ने, तो उन्होंने क्या समझा? What did they understand by the commentaries of the scriptures given by the human beings of the latter period? गीता का भगवान, वो भी कटारी या तलवार चलाने वाला होगा. Student, Krishna is God of the Gita. Yes, they thought God of the Gita will also be the one who uses the dagger or the sword. उसने ये कटारी या तलवार चला चला करके 16,000 को अपना बना लिया. He used the dagger and the sword and made 16,000 queens belong to him. ये बुद्धि रहती है. This remains in their intellect. तो शास्त्रों दिखा दिया भगवान कब आए, कौन सी युग में आए? द्वापर में आए. So it has been mentioned in the scriptures, when did God come? In which age did he come? He came in the copper age. कृष्ण को संगम युग में कभी नहीं दिखाएंगे. Krishna will never be shown to be in the confluence age. कृष्ण को सतयुग में दिखाते हैं. Is Krishna shown to be in the golden age? Student, he isn't. लेकिन तुम जानते हो कौन से युग में दिखाया? But you know, in which age has he been shown to be? है? सतयुग. सतयुग में दिखाया? Student, in the golden age. He has been shown to be in the golden age. क्योंकि रक्त की नदी के बाद फिर घी की नदी आती है. Because after the river of blood, the river of ghee flows. रक्त की नदियाँ कब बहें? संगम में कि सतयुग में? When will the rivers of blood flow? Is it in the confluence age or in the golden age? संगम में बहती है. Students, in the confluence age. It flows in the confluence age. Om Shanti. Om Shanti.